ओके, तो हम बात करते हैं बिग एंड स्मॉल हाउसेस के बारे में। बड़ा बड़ा और बड़े और छोटे घर होता है ना, सबके घर का साइज एक जैसा नहीं होता ना, कुछ का घर बड़ा होता है, कुछ का घर छोटा होता है, राइट। सम ऑफ अस लिव इन बिग हाउसेस, सम ऑफ अस मतलब हम में से कुछ लिव इन बिग हाउसेस, बड़े घरों में रहते हैं। सम ऑफ अस लिव इन स्मॉल हाउसेस, हम में से कुछ रहते हैं छोटे घरों में, है ना। सम ऑफ अस लिव इन बिग हाउसेस, सम ऑफ अस लिव इन स्मॉल हाउसेस। कृपा लिव्स इन अ बिग हाउस विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स एंड कजन्स। कृपा जो है, कृपा लिव्स इन अ बिग हाउस, कृपा बड़े घर में रहती है विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स एंड कजन्स, अपने दादा दादी, मम्मी पापा, चाची चाचा और चचेरे भाई बहनों के साथ। राहुल लिव्स इन अ स्मॉल हाउस विद हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर। राहुल लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, राहुल एक छोटे घर में रहता है विद हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर, अपने माता पिता और अपने बहन के साथ। बोथ मतलब दोनों, बोथ कृपा एंड राहुल लव देयर होम्स, दोनों कृपा और राहुल अपने घरों से प्यार करते हैं। They have a lot of fun at their home and take care of them. They have a lot of fun at their home. वो जो है ढेर सारी मस्ती करते हैं अपने घर में, and take care of them, और अपने घर का ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलो अब इस पिक्चर को देख के कुछ आंसर करें। What is shown in the picture? Well, it's a bed. What do we use it for? Well, we sleep on a bed. Which room do we find it in? We find it in our bedroom. नहीं, बेड तो बेडरूम में ही होगा ना। That's great. तो चलिए अब एक्सरसाइज, आपको जो है इन रूम्स का नाम लिखना है। ये देखो किचन का सामान सारा है ना, ये क्या हो जाएगा, किचन। ये सोफा लगा हुआ है, तो सोफा पर बैठ के लोग टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो ये क्या हो गया, लिविंग रूम। वॉश बेसिन बना हुआ है, अरे नहीं ये तो बाथिंग बेद या बाथिंग सॉरी बाथटब है ये तो मतलब ये क्या हो गया, बाथरूम। और ये खाने का सामान सब रखा हुआ है, तो डाइनिंग रूम, राइट। वी स्टडी इन द किचन, नो। वी फील सेफ एट होम, यस। आवर हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यस। Houses built of mud and straw are called pakka houses. No, they are called kaccha houses. Houses also have walls and roofs. Of course, बिना दीवार और छत के घर कैसे बनेगा भाई? ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है इन क्वेश्चन आंसर्स को पूरा कर लीजिएगा। चैप्टर तो आपने पूरा पढ़ ही लिया, अब जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है अपने घर के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आप कैसा घर चाहते हैं, आप अपने घर में क्या सब अलग बनवाना चाहते हैं, ठीक है, जो आप बड़े होकर बनवाइएगा। ओके, वेल देन, मिलते हैं हम लोग फिर अगले लेसन के साथ, एनिमल होम्स के साथ। ओके, बाय बाय।